संतोष दुबे प्रदेश प्रवक्ता शिवसेना उत्तर प्रदेश। आज का जो ये कार्यक्रम है, ये 6 दिसंबर के बाबरी ढांचा गिराया गया, तो बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ था, एक कलंक था इस देश के ऊपर, उसको खत्म करने का प्रयास शिवसैनिकों ने किया था, उसी के तहत ये शौर्य दिवस मनाया जाता है। और आज जो शिवसेना द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है शिला पूजन का, क्योंकि हम शिला पूजन कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, और पूरे प्रदेश में शिला पूजन के उपरांत ये जो है शिलाएँ हम जो है वहाँ के DM और रिसीवर को सौंपेंगे, मंदिर निर्माण का कार्य प्रशस्त हो इसके लिए कार्य किया जा रहा है। क्योंकि पिछले जो है 24 और 25 नवंबर को माननीय उद्धव ठाकरे जी अयोध्या आए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि पूरे प्रदेश में शिला पूजन का कार्यक्रम किया जाएगा, और सरकार पे हम प्रेशर बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि सरकार शीतकालीन सत्र में अध्यादेश ले आए जिससे राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रशस्त हो और सभी लोग उसमें कार्य सेवा करने के लिए भागीदारी करें। देखिए 6 दिसंबर हमने शुरू में बताया कि ये हमारे लिए शौर्य का दिन है, और आज ही के दिन हमने उस विवादित ढांचे को गिराने का काम शिवसैनिकों ने किया था, तो हमारे लिए विजय का दिन है, उत्साह का दिन है। और इसी हर वर्ष 26 सालों से लगातार इस दिन को हम लोग मना रहे हैं, और आज के दिन हम लोग शिला पूजन इसी के तहत कर रहे हैं। देखिए हमारे नेता ने शुरू में ही कहा था उद्धव ठाकरे जी ने कि पहले मंदिर फिर सरकार, हर हिंदू की यही पुकार, तो इसी के तहत हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर अध्यादेश सरकार नहीं लाती है तो जनता उसका जवाब देगी और हम जनता के बीच में जाएंगे।